सब्सक्राइब करें बालाजी सिलाई सेंटर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपको स्वागत है। आज मैं आपको रेडीमेड गला बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, अक्सर सूट के अंदर ऐसे गले तैयार आ जाते हैं कढ़ाई के, तो उसमें बनाने में परेशानी होती है क्योंकि ये बुकरम के बनते ही नहीं है, सफाई आती नहीं है इसमें, इसलिए आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ। इसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए, कोई भी कपड़ा, मैचिंग का हो या कोई भी कैसा भी कपड़ा हो, वो अंदर चला जाएगा बनने पे, तैयार होगा तब गला। हमें क्या करना है, कपड़ा किस हिसाब से लेना है, देखिए जो हमें कपड़ा लेना है वो किस हिसाब से लेना है, हमें ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना है। हमें सबसे पहले तो इसकी ये देखिए लंबाई देखनी है, लंबाई ये 7 इंच की है, तो हमें लंबाई में 8 इंच कपड़ा चाहिए। ये हमारा 9 इंच है, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, बाद में कटिंग हो जाएगी। चौड़ाई भी हम इसकी इक्वल ही लेंगे, तो ये कपड़ा हमने इक्वल इक्वल लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो हमने कपड़ा लिया है इसको बिल्कुल बीचों बीच से हमने एक निशान लगाना है, इस तरीके से हमें या तो कट मार दो या निशान लगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो गला बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, तिरछा नहीं बनेगा। इसका तो हमने बीच का लाइन निकाल दिया, अब हमें इसकी जो रेडीमेड ये जो गला बना हुआ है इसका भी हमें बीच का ही निकालना है। इसको भी आपने इस तरीके से करना है और कढ़ाई से कढ़ाई को पकड़ना है इस तरीके से और कट मारना है एक। इस तरीके से हमने नाखूनों से इस तरीके से बीच में से निशान लगा देना, इससे हमारा इक्वल इक्वल आएगा, तिरछा कभी नहीं बनेगा। अब हम इस पे एक चौकर निशान लगा देते हैं। क्या करना है, ये जो हमारी सूट की कटिंग है इसको हम नीचे रखेंगे और जो ये वाला कपड़ा लिया है हमने इसको हम ऊपर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कट को जो हमने निशान लगाया है गले को और ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से ऑल पिन से रोक देंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट हो कि लाइन से लाइन नहीं मिली है तो एक बार इस तरीके से देख सकते हैं, हम हमारी ये लाइन से लाइन मिल चुकी है। ये हमने रोक दिया, अब हमने इसको कपड़े को नीचे की ओर लेना है और जो रेडीमेड गला है उसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, क्योंकि अगर हम इस साइड से इसको तैयार करेंगे तो हमें तो गला दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हम आप गले की साइड से आते हैं। अब हमने इसको एक सिलाई लगा दी, ये बिना बुकरम का गला तैयार करवा रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बुकरम की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है, इस आकार में ये जो गला तैयार हो रहा है उसी आकार में हमें ये मशीन चलानी है। ये हमने सिलाई से इसको रोक दिया है, अब ये देखिए ये कपड़ा इसी आकार में सिलकर तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, ये ऑल पिन हमें हटा देनी है और हमें इसकी
कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करनी है ये देखिए, ये जो हमारी जो लाइन है गले की जो लाइन है, इससे कम से कम आधे इंच की दूरी पे हमें ये इसी आकार में कटिंग करनी है। हमने इसी आकार में कपड़े की और गले की कटिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें तिरछे तिरछे कट लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना कटे। कट हमें यहाँ बीचों बीच भी लगाना है सिलाई को देखते हुए, सिलाई ना कटे। कट लगा दें। अब हम चाहे तो हम इसको जो है इसको इसी रूप में ऐसे सिल देते हैं, और नहीं तो हम इसी आकार में इसकी वी शेप में कटिंग कर देते हैं। जो हमारा फालतू कपड़ा है उसकी भी हम ये कटिंग कर देंगे। देखिए अब इसको हमने पलट देना है। देखिए बिना बुकरम के हमने ये गला तैयार करते हैं। अब इसमें ये जो पीछे हमने जो कपड़ा लगाया है, आप चाहो तो इस पे इस तरीके से तुरपाई कर सकते हैं, वरना एक सिलाई भी दे सकते हैं, पर सिलाई हमें इसके मैचिंग के धागे की देनी है। अभी फिलहाल में मेरे पास मैचिंग का धागा इसका है नहीं, तो मैं इसी धागे से इसकी सिलाई दे रही हूँ। बाद में मैं इसको हटा के तुरपाई कर दूँगी। इस तरीके से बिल्कुल गला हमने तैयार कर लिया है, बहुत जल्दी तैयार हुआ है। देखिए गला हमने रेडीमेड जो है वो तैयार कर लिया है, बिना बुकरम के तैयार किया है, बहुत सफाई से तैयार हुआ है, बहुत जल्दी तैयार हुआ है। आपको मेरी तरफ से कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।